तो गाइस स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर रोहन इंद्री व्लॉग्स पर। दिन की 12 बजे होती है हमारी सुबह, और वेट लॉस चैलेंज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमें वापस जाना है जॉन पर, और साइबर के जो हमारी बेटी है उसका नाम जुड़वाना है हमें अपने समग्र आईडी में। तो फटाफट हम तैयार हो जाते हैं नहा धो के, और आज पापा का टिफिन देने नहीं जाना है क्योंकि पापा घर पे ही हैं। क्या पापा कितने 12 बजे भी, और बाहर का वेदर चेक करते तो हल्की फुल्की फुहारी हो रही है। निकल का काम हुआ हमारा, बेटी का नाम जो जोड़ने वाला है हमारा समग्र आईडी में वो डिले हो जाएगा पानी के चलते। भी हम कोशिश करेंगे रेनकोट पहन के चल जाए, लेकिन कागज़ गीले होने का डर, आईडी कर देंगे हम कल वाल चले जाएंगे। गाइस वेट जो है 83.85 पे कॉन्स्टेंट ही हो गया है। डाइटिंग भी कर रहे हैं, फास्ट भी कर रहे हैं, तो आई थिंक एक्सरसाइज भी अब करनी पड़ेगी और आगे वेट लॉस करना है। तो गाइस इसी के साथ नहा धो के हो गए हम चकपक रेडी, और डाइटिंग पे हैं हम, तो इसलिए थोड़े से पॉपकॉर्न खा लेते हैं क्योंकि डाइटिंग में पॉपकॉर्न खा सकते हैं, ये फेट शरीर में मतलब फेट नहीं करते क्योंकि मक्के के। और गाइस हमारी बेटी को जो है वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं सेल्फी को, और वीडियो कॉलिंग करके हम हमारी बेटी से बात कर लेते हैं पॉपकॉर्न खाते खाते। और हमारा बेटू भी जो है हमसे बात कर रहा है वीडियो कॉलिंग में, और हमको मिस कर रहा है, और हम हमारे बेटू को मिस कर रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, उसकी मम्मी जो है ले गई उसको उसकी नानी के वहाँ। तो गाइस हम निकल जाते हैं हमारी कागज़ वागज लेके बेटी का जो है नाम समग्र आईडी में जुड़वाने के लिए। पहले साइबर जाना है हमें, और मस्त एक पार्ले किस्मी फसा लेते। तो भाई सबसे पहले हम ये साइबर पे आते हैं और यहाँ पर जो है नाम ऐड करवाने की कोशिश करते हैं। भैया का जो है साउंड सिस्टम देख के हमें बहुत ही मस्त लगा है, देख लीजिए कितना मस्त इलेक्ट्रॉनिक का इन्होंने जो है साउंड सिस्टम बनवाया है। तो भाई जब भी अपना काम साइबर से हुआ नहीं है तो अब यहाँ से वापस चल देते हैं अपन जोन की तरफ। साइबर पर वापस जो है समग्र आईडी में नाम नहीं ऐड हुआ क्योंकि उसमें आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, और जोन वाला बोल रहा है कि हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र से, तो हमें एक बार दूसरे साइबर पे कंफर्म कर लेते हैं, और उसके नहीं होता है तो सीधे फिर वापिस जाते हैं नगर निगम ए जोन पे। भाई फाइनली जो है यहाँ पर बंगाली चौराहे वाले साइबर से हमारा जो है काम लगभग हो गया है। जो है रिक्वेस्ट हमने डलवा ली है रियांसी धीमान की, अब इसको अप्रूव करवा लेते हैं। गाइस इधर से होते हुए स्कीम नंबर 114 में से होते हुए आइडिया मल्टी के उधर से जा रहे हैं अब हम जोन की तरफ। मौसम मस्त हो रहा है, अच्छा वो पानी बंद हो गया। फाइनली हम आ जाते हैं जोन पे अगेन वंस अगेन, और 101% लंच हो गया होगा क्योंकि मुझे पता है ऐसा ही होता है हमेशा कुछ भी मैं काम कराने आता हूँ। तो भाई हाल फिलहाल में तो हमारे इंदौर की हालत कुछ इसी तरह हो गई जिस तरीके से बोट पर दिख रहा है इंदौर, और जोन पर पहुँच जाते हैं हम और लंच हो रहा है, खिड़की बंद है। आई नो देट ऐसा होना ही था। सो गाइस एज वी नो देट लंच हो गया है और पानी की टंकी के नीचे खड़े हैं हम, और अब देखते हैं कितनी देर में खिड़की खुलेगी और हमारा काम होगा। गाइस चोट हो गई, आज मुहर्रम की छुट्टी थी और हमें पता ही नहीं था। अच्छा भैया ने हमें बताया मुहर्रम की छुट्टी है, तो हम लंच समझ के बैठ रहे थे आधे घंटे, समय बर्बाद होता। अब यहाँ से हम निकल जाते घर जाना पड़ रहा है। हमें इस बात का कोई खेद नहीं है क्योंकि इतिहास गवाह है, आज तक हमने जितने सरकारी काम कराए हैं एक दिन में नहीं हुए, हमें कम से कम 3 से 4 बार भटकना पड़ता है जब होते हैं। तो हम जब हमारी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी गए थे, तो वहाँ पर जिस दिन हम गए थे उस दिन छुट्टी थी ईद की, और फिर उसके बाद गए थे वो फिर बन के आया, और आधार कार्ड के लिए भी हमें इतना ही भटकना पड़ा था 2 से 3 बार। सेंटर पे गए थे, सेंटर से बोला जीपीओ पे जाओ, जीपीओ से बोला वापस आधार कार्ड सेंटर पे जाओ, फिर सेंटर पे अगले दिन गए नंबर लगाया फिर वहीं से ही बना। तो ऐसा होता रहता है जनरल थिंग। सो अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में, कोई दिक्कत नहीं है, घर चले जाएंगे कल आ जाएंगे, काम तो हो ही जाता है कभी ना कभी। तो वैसे डाइटिंग के हिसाब से हम यहाँ पर ककड़ी खा लेते हैं, और हमारी जो ककड़ी है मम्मी छील के दे रही है हमको। ककड़ी का मसाला भी था वो है ना चाट मसाला। तो गाइस यहाँ पर मम्मी ने हमें ककड़ी काट के दे दी है, और घर आ चुके हैं हम, शायद ये सूट नहीं किया था हमने, घर आ चुके हैं और ककड़ी खा रहे हैं।
और हमारी वाइफ हमें हमारी बेटू की जो है वीडियो बना के भेज देती है ब्लॉग में एड ऑन करने के लिए। हमारा बेटू खेल रहा है खिलौने पे, मस्त तरीके से सुंदर सा लग रहा है हमारा बेटू। तो वही शाम का वक्त और हमारी चाय, और चाय पी के जल्दी से हमारी नींद उड़ा लेते हैं हम, क्योंकि काम पे जाने का टाइम हो गया, 6 बज गई है। बाहर का मौसम अभी खुला हुआ है तो फटाफट तैयार होकर निकल जाते हैं इससे पहले कि पानी पानी गिरने लग जाए, चाय पी के फटाफट। तो गाइस ऑफिस जाने के लिए हम हो गए रेडी, और ये हमारी वाइफ का बैग ही हमें देते हुए जाना है, तो इसको भी उठा लेते हैं हम और निकलते हैं हम घर से। तो गाइस फाइनली हम घर से निकल जाते हैं, बाय। तो मम्मी को टाटा करते हुए हम निकल जाते हैं हमारे घर से। हमारी गली के वहाँ ऐसे ही हो जाता है गाइस, कीचड़ इचड़ सा, ऐसे तो यहाँ पे 12 महीने ही ऐसा रहता है, क्या ही बोलो, लोग उनसे हंसते नहीं है, पानी डोलते है बस। तो आपका रोड है तो गाइस हमें देना है हमारी वाइफ का जो बैग, और हमारे कैमरे की क्वालिटी दिन पर दिन थोड़ी सी अच्छी हो गई है। अल्ट्रा वाइट की क्वालिटी में पहले मच्छर आते थे, अच्छा मच्छर आना बंद हो गए। तो गणेश में बुधवार है आज, गणेश मंदिर के पीछे से होते हुए निकल जाते हैं, हम ऐसे दर्शन करने थे लेकिन पता नहीं क्यों जाना हुई नहीं, ले जाना है ऐसे। हाँ वाह यार, वाह यार, वेरी गुड बेटू। अरे एक चीज इंस्टाग्राम पे हो गया, मेरे मुंह में लोग लगा दें, काम करना है अभी। ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हुआ है, आप देख सकते हैं जिस हिसाब से डिस्पोजल वगैरह पड़े हुए हैं और लोग नहा रहे हैं, और कहीं हम फंस ना जाए, आगे ट्रैफिक सा लग रहा है, अब देखते हैं आगे जाकर ही क्या सीन है। समझ में आ गया आज मुहर्रम था, तो मुहर्रम का जो है कार्यक्रम यहाँ पर निकला होगा जिस हिसाब से यहाँ पर क्राउड व्राउड जमा हुआ देख के समझ में आता है। तो जल्दी से हम निकल जाते हैं हमारे ऑफिस के लिए, बिना लेट ताजिए निकले थे यहाँ से, मुहर्रम के ताजिए याद आ गया हमें, मुहर्रम के ताजिए निकले थे और उसी कारण इतना क्राउड वगैरह था। अच्छा हुआ कार्यक्रम खत्म हो गया, नहीं तो हम तो फंस ही जाते इधर से वापस। मज़ा आ गया बिल्कुल, पूरा रोड खाली मिल रहा है और फट से पहुँच जाएंगे हम रोबोट चौराहे से रेडिसन की ओर, क्योंकि हम इधर मालवीय नगर मंडी में से होते हुए आए इसलिए हमें ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा, और सिग्नल हमारी साइड का चालू ही जो है हमें ट्रैफिक नहीं मिला। और देख सकते हैं मेट्रो का हम प्रगति पर है और रेडिसन चौराहे हम पहुँचने में, भाई रेडिसन चौराहे के सिग्नल पर हमें रुकना पड़ा है, ट्रैफिक रेडिसन चौराहे पर हमें रुकना पड़ गया था थोड़ी देर, क्योंकि हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही सिग्नल बंद हुआ, थोड़ी सी देर का और फर्क आ जाता तो सिग्नल हमें जो है खुला मिल जाता। तो अभी हम बॉम्बे हॉस्पिटल का सर्विस रोड पकड़ के सीधा भाई कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉल्स कर तोड़ कर और कुछ को पालन करके पहुँच जाते हैं केपसी वाली बिल्डिंग, हमारे ऑफिस, और ऑफिस में ले लेते हैं एंट्री, पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पर, भैया को जय श्री राम बोल देते हैं को, के साथ लिफ्ट में सवार हो जाते हैं, फोर्थ फ्लोर का बटन दबाकर और फ्राइडे वो पार्टी की प्लानिंग करते हुए। तो गाइस होती है ऑफिस में हमारी एंट्री, और हमारी यहाँ पर बच्चा पार्टी गेम वेम खेल रही है, और आशीष भाई फुल स्पीड में रील वील छानते हुए डकैती देखते हुए लाइव आ रहा, और दीपांश मोबाइल में गेम खेलता हुआ, और चरण बच्चा काम कर। और गाइस यहाँ आ जाती है हमारी चाय, सुबह की चाय हमारे लिए सुबह की, क्योंकि US में इस टाइम सुबह होती है। फिर हम करते हैं डाइटिंग वाला सेक्रीफाइस, यहाँ पर मैगी पार्टी चल रही है विशाल की, और डाइटिंग के चलते हम मैगी नहीं खा रहे हैं, दीपांश भी मैगी खा रहा है, और हमें ऑफर भी की जा रही है मैगी, बट नो मैगी, और हमारी वाइफ घर पर खा रही है खाना, और हम ऑफिस में कर लेते हैं थोड़ा सा काम और लंच आउट डाल कर निकल जाते हैं लंच करने के लिए। भूख तो नहीं लग रही है फिर भी लंच बॉक्स उठा लेते हैं और डाइटिंग के हिसाब से थोड़ा ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। वैसे हम ले लेते हैं बॉम्बे भेल का पैकेट, तो एक बॉम्बे भर का पैकेट तो भाई ये सब आया है टिफिन में, तो हम तो मस्त भेल खाएंगे, बॉम्बे भेल फटाफट मस्त, छटकारा और चरण का उपास, आशीष भाई के घर की भिंडी और यहाँ दाल, और भोजन को इस तरीके से अंजाम देते हुए हम। और गाइस यहाँ खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, लिफ्ट बुलाकर ऊपर, और ये लिफ्ट आ गई, खुल जा सिम सिम, और ये बंद हो जा सिम सिम, चल दे सिम सिम, डाउन साइड चलना है। वो एक वीडियो देखा उसके लिफ्ट का, ये नीचे का गिरने वाला था, उसको पता चल जाता वैसे खड़ा हो जाता, और उसमें लिखा था कैमरा मैन विल नेवर डाई।
तो गाइस यहाँ पर पंचों के हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं वॉक करने के लिए, थोड़ा सा वॉकिंग शॉकिंग करते हुए, वॉकिंग टॉकिंग करते हुए, नाइट के मजे लेते हुए करके हम आ गए लिफ्ट में। तो गाइस घूमने फिरने के बाद 2 मिनट हमें इसी खा लेते हैं क्योंकि फिर दिन भर काम ही करना है और फिर थोड़ा काम। और आज हमने जो है चाय जल्दी बनवा ली है, 12:30 बजे ही चाय बनवा ली है। उसके बाद एक चाय और आती है हमारी, 2 बजे वाली चाय आती है रात की। उसके बाद टाइम हो जाता है घर जाने का, सिस्टम विस्टम बंद कर कर पंच आउट कर कर निकल जाते हैं आउटसाइड। तो वही से हम यहाँ पर हमारी छुट्टी हो जाती है और यहाँ पर हम खड़े होकर लिफ्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन लिफ्ट नीचे जा रही है, हम तो ऊपर है। लिफ्ट थोड़ी सी पागल हो गई, इस पर भी प्रेशर हो रहा है लगता है। तो गाइस यहाँ पर हमारी छुट्टी हो जाती है और ऐसे हम बाहर निकल आते हैं और ऐसे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। शायद आशीष भाई तो रुकेंगे नहीं क्योंकि उनका कोई नया मित्र इंतजार कर रहा है, तो पुराने मित्रों को बाय साय करते हुए नए मित्र के पास जाने की ओर अग्रसर। चलो चलो गाइस, शरण को लगती है भूख। शरण बोलते हैं कचौरी खाए, लेकिन हम तो डाइटिंग पे कचौरी खा नहीं सकते, लेकिन डाइटिंग के हिसाब से पोहा दूसरी बार जुर्म करा जमाना, तो वही तीसरी बार चौथी, लेकिन हम पोहा भी नहीं खाएंगे। तो चरण पोहा और कचौरी दोनों खा लेता है और हम डाइटिंग के हिसाब से कुछ नहीं खाते हैं। चरण खाता है पहले पोहा फिर कचौरी, उसके बाद हम निकल जाते हैं। तो भाई डाइटिंग के चलते हमने कुछ नहीं खाया, सब सेक्रीफाइस कर देते हैं हम, पोहा तक नहीं खाया हमने सुबह सुबह। और निकल जाते हैं हम इधर से रोड पकड़ कर रिंग रोड घर की ओर, घर के लिए निकल जाते हैं हम रिंग रोड पकड़ कर। गाइस फाइनली यहाँ पर हम पहुँचते हैं होम स्वीट होम, पार्किंग में लगा देते हैं हमारी गाड़ी। टेक और बाप रे गाइस, चाबी पहले बंद करना चाहिए, स्कूटी एक्टिव ऑन की नहीं तो भग जाती है। और गेट लगा देते हैं। और गाइस फाइनली आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पर समाप्त, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक यू।